हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। आई एम हियर विशाल कश्यप टू डिस्कस यूपीएससी सीसेट कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यूज। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यूपीएससी में कंसेप्ट रिपीट होते हैं। जैसे अगर आप 2022 और 2023 का ही कंपैरिजन करेंगे तो काफी कंसेप्ट रिपीट हुए थे और उनको हम सोल्व करके क्वालिफाई कर सकते थे सीसेट को। तो चलिए उन्हीं कंसेप्ट को समझते हैं, हो सकता है कि इस साल भी वही कंसेप्ट रिपीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, जो कि इसमें बोला है कि पी एंड क्यू नंबर्स हैं। जैसे पी एक प्राइम नंबर है एंड क्यू एक कंपोजिट नंबर है, तो आपको उसने तीन स्टेटमेंट दिए हैं। तो सिंपल, जो कि मेरी एक हमारी एक कॉमन नॉलेज है कि पी कोई भी प्राइम नंबर कौन सा होता है जो कि अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो मैं पहले लिख लेता हूं सर, 2, 3, 5, 7, ठीक 11, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्यू कोई भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो सर मैं लिख लेता हूं 4, 6, 8, 10, ठीक 12, तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक बेसिक कॉमन अप्रोच लगाता हूं, मेन वैल्यूज को पुट करके इन स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। तो P इंटू क्यू कैन बी ए ओड नंबर। देखो उसने ऑलवेज नहीं बोला है, उसने बोला है कैन बी एन ओड नंबर, हो सकता है, बट ये नहीं बोला है कि ऑलवेज। तो अगर P इंटू क्यू करता हूं मैं, तो P इंटू क्यू करते हैं हम। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे 9 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक। तो मैं चलो 3 को ले लेता हूं, 3 एक प्राइम नंबर है और 9 एक कंपोजिट नंबर है। तो 9 3 27 एंड 27 इज एन ओड नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पी डिवाइडेड बाय क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, मैं क्यू एक कंपोजिट नंबर में 4 मान लेता हूं और प्राइम नंबर में डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो आंसर आएगा 2, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। पी प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, पी प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, पी प्लस क्यू। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि अगर मैं एड करता हूं 6 को और 5 को, तो 5 प्लस 6 11, एंड 11 इज एन प्राइम नंबर। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई इसका आंसर 1, 2, 3। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सिंपल आप नंबर्स को डायरेक्टली पुट करने के बाद उसको प्रूफ करने की कोशिश करिए। सेम यहां पे, तो मैं क्या मान लेता हूं, पी कोई भी प्राइम नंबर मैंने 11 मान लिया और सी मैंने कोई भी, आप कुछ भी मान सकते हैं बट आपकी एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मैं जो मान रहा हूं वो एक बार में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक, वो डिपेंड कर जाता है, बट ये इजी है अगर आप वैल्यू पुट करके करेंगे, क्योंकि सीधा दिमाग में कैलकुलेशन होती रहती है। तो 11 प्लस 9 और 11 माइनस 9 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, तो कितना आया 10, और 10 एक इवन नंबर है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। 2 प्लस सी कैन बी ए ओड, तो मैंने प्राइम नंबर मान लिया 2 इंटू, मान लीजिए कि मैंने 2 into 3, 3 2 6, और प्लस सी कोई भी कंपोजिट नंबर है, मतलब इस बार क्या करा, कंपोजिट नंबर को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो मैंने पी प्राइम नंबर 3 मान लिया, तो 3 into 6, और मैं 6 में ऐसा क्या ऐड करूं जो कि ओड आ सकता है, तो 6 में मैं ऐड करूं, अगर मैंने मान लीजिए कि अगर मैंने इसमें 9 ऐड कर दिया 6 में, तो 9 और 6 15, और 15 एक ओड नंबर है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट, पी इंटू सू सी कैन बी एन ओड नंबर, सर मैं प्राइम नंबर 3 मान लेता हूं और कंपोजिट नंबर 9 मान लिया, 9 3 27, और 27 एक ओड नंबर है, तो तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गए और आंसर क्या हो गया, डी। और दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों में आंसर दोनों साल में डी डी ही था, ठीक। तो हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और सीधा आंसर निकालना है। ओके चलिए ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 6th क्लास का डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट आना चाहिए, और बाकी डिविजिबिलिटी वाले रूल्स भी अगर आपको आते हैं तो आप, मतलब बहुत अच्छी बात है, वरना आप सीख सकते हैं। मैं एक डिटेल्ड, मेरा एक कोर्स है, आप उसको परचेस करने के बाद। तो जैसे कि मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं अभी, तो अगर हम देखें तो 8 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो क्या आएगा, तो 2 1 2 2 4 8, यानी कि 4 आ गया, तो यानी कि नीचे 1 बचा है। 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 2 6, तो नीचे क्या बच रहा है 1, और क्या आ रहा है 2, ठीक, ये 2 टाइम्स आ रहा है। लेकिन आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर जिस टाइम पे नीचे 1 बच रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। सर जिस टाइम पे नीचे 1 बच रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है,
क्योंकि जिस टाइम पर नीचे वन आएगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। सेम यहां पे कर लेते हैं, तो सर मैं डिवाइड कर लेता हूं 100 से, तो 5 से 8 कितने टाइम जाएगा, 5 टू जा 10 0, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, सर 5 4 जा 20 और 5 से 85 कितने टाइम जाएगा, 85 जाएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 और अभी 96 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 4 4 जा 16, नीचे क्या बचा 1 और जिस टाइम पर नीचे 1 बचता है रिमाइंडर क्या आता है, 0, क्योंकि ये अभी हमने देखा, तो दैट्स व्हाई इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सेम यहां पे सर अप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 1261, ठीक, तो 1261 13 से जाएगा, 13 से कितने टाइम जाएगा सर, 13 9 और 13 7 टाइम्स जाएगा, ठीक, तो 97 टाइम, और 13 से ऊपर 91 कितने टाइम जा रहा है, 7 टाइम, और 97 से 97 कट चुका है, तो नीचे क्या बच रहा है सर, 1, और जिस टाइम पे 1 नीचे बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है और रिमाइंडर क्या होगा, 0। देखेंगे आप तो आंसर भी दोनों सालों में सेम आए हैं, 0 0, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड हो और 1000 से बड़ा हो बट रिमाइंडर 3 आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं जो अभी हमने पीछे सीखा। अगर मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इसमें ऐसा डिवाइड करिए कि रिमाइंडर 1 आए, तो मैंने यहां पे देख लिया कि सर जब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो अगर मैं 13 डिवाइडेड बाय 4 लिख दूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक, ये क्या रिमाइंडर। और मैं आपको बोलूं कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए तो सर मेरे को पता है 12 कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12 टू 14, 14 को डिवाइड करूंगा 4 से रिमाइंडर आएगा 2, ठीक। और ये तब तक ऐसे चलता रहेगा अगर मैं आपको बोलूं कि सर 3 रिमाइंडर आना चाहिए तो 12 में 3 ऐड कर दूंगा 15, ठीक, तो यहां पे क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 3। लेकिन अब मैं आपको बोलूं रिमाइंडर 0 आना चाहिए क्योंकि जैसे ही 16 पे पहुंचेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक। तो ये तो हमें सीधा पता चल गया। अब यहां पे आपको एलसीएम का कंसेप्ट लगाना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 4 6 8 का कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो कि इन सबसे डिविजिबल होता हो, एक ऐसा छोटा नंबर, ठीक, जो कि इन चारों नंबर से डिवाइड होता हो, तो सर क्या करना होता है, अपन को एलसीएम लेना होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, और ये 3 और 2 चला जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 एक ऐसा छोटा नंबर है जो कि इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब लेकिन अगर आप 24 से कोई भी छोटा नंबर लाते हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा, 24 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट पता चल गया कि सर अगर मेरे को इनसे कॉमनली डिविजिबल वाला नंबर निकालना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि 6 9 12 और 15 18 का मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से अगर करेंगे 3 टाइम 9, 2 6 जा 12, 15 2 9 जा 18, फिर 2 से चला जाएगा सर ये 3 9 और 2 3 जा 6, 15 और 9, अब ये 3 से जाएगा सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 और 3 5 जा 15, 3, तो ये एक बार 3 से जाएगा एक बार 5 से, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 45 2 जा 19, 90 2 जा 180। सर 180 एक ऐसा नंबर है, 180 एक ऐसा नंबर है जो कि इन सारे नंबर से मतलब जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 6 से 9 से 12 से 15 से और 18 से भी, यानी कि हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। लेकिन सर उसने एक कंडीशन दी है कि आपको वो नंबर बताना है जो कि 1000 से बड़ा हो। तो एक यहां पे ध्यान रख लेना चीज कि जब 180 से डिवाइड हो रहा है ना तो 180 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे इससे डिवाइड होंगे, इन सारे नंबर से, ठीक। जैसे अगर मैं 24 यहां पे था तो 48 भी लिख देता हूं तो ये 48 भी इन सब से डिवाइड होगा, तो सेम 180 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो डिवाइड होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, 180 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो कितना आएगा सर, 180 इंटू 5 कितना हो जाता है 900, यानी कि 18 का टेबल कर लीजिए। और सर 180 इंटू 6 कितना हो जाता है, 180 इंटू 6 1080, और सर 180 इंटू 7 कितना हो जाता है, 7 8 56 0 6 5 1 2 6 0। अब यहां पे मेरे को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि सर 1000 से बड़ा होना चाहिए लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए।
तो अगर मैं यहां पे 900 लेता हूं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि 1000 से छोटा है। अगर मैं 1260 लेता हूं तो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों सेटिस्फाई नहीं होगी? सर उसने बोला है 1000 से बड़ा हो, लेकिन वो 1000 से बड़ा होने के बावजूद भी छोटा हो। लेकिन अगर 1260 अगर मैं लेता हूं तो उससे छोटा भी तो नंबर एक मल्टीपल है ना 180 का, जो कि 180 है, तो मेरे को ये मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 180 कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन अभी मेरे को ये वाली कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है, रिमाइंडर 3। तो मैंने क्या आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको जितना भी रिमाइंडर चाहिए आप उसमें उतना ऐड कर दीजिए, हमेशा आपका वही रिमाइंडर आएगा। तो 1080 में प्लस 3 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1083। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक, तो हमने यहां पे दो कंसेप्ट समझे कि रिमाइंडर अगर जितना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल के बाद वो ऐड कर देना है, अगर कॉमन डिविजिबल निकालना है, एलसीएम निकालना है, सिंपल और कुछ नहीं। अब आप ये क्वेश्चन मेरे को करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो ये ध्यान रख लीजिए। यहां पे हमको क्या कंसेप्ट समझना है, देखो यहां पे आपको एक कंसेप्ट समझना है छोटा सा। तो जब मैं 11 into, देखो इसमें सिंपल उसने बोला है कि 1 को 9 टाइम लिखा गया है और फिर उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आया उसको आपको क्या बताना है, सम करके बताना है। ठीक, तो जैसे 11 into 11 लिख दिया मैंने, ठीक, तो क्या आ गया 1 to 1। तो अब मेरे को इसका सम करके बताना हो 2 और 1 3 और 1 4 इस तरीके से। तो उसने 1 को 9 टाइम लिखा है, तो अब मैं आपको यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं, 1 2 3 into 1 2 3 1 2 3 4 into 1 2 3 4 1 2 3 4 5 into 1 2 1 2 3 4 5। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक, अगर आप देखें अगर मैंने 2 times 1 लिखा और उसी से मल्टीप्लाई करिए तो पहले फॉरवर्ड काउंटिंग 1 और 2 फिर बाद में बैकवर्ड काउंटिंग। 3 टाइम लिखा है 1 2 3 1 2 3 से फिर बैकवर्ड काउंटिंग। 4 टाइम लिखा है 1 2 3 4 तक फॉरवर्ड काउंटिंग फिर बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग 5 तक और फिर यहां से बैकवर्ड काउंटिंग, अगर 5 times 1 लिखा है। सेम यहां पे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे कितना आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 81। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है। तो हम मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दिया कि अगर कभी ऐसे हो जाता है तो आप सीधा कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का एक्सपेंशन आपसे पूछा है, तो कुल मिलाकर जिस टाइम पे यूनिट डिजिट का एक्सपेंशन पूछे तो आपको यूनिट डिजिट ही देखनी है और कुछ देखना ही नहीं है। मैं यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, सर जब आप 2 का 1 टाइम करेंगे 2 आएगा, सर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 2 का 4 टाइम करेंगे 16 आएगा, सर 2 का 5 टाइम करेंगे 32 आएगा, 2 का 6 टाइम करेंगे 64 आएगा, 2 का 7 टाइम करेंगे 128 आएगा, और 2 का 8 टाइम करेंगे तो यानी कि कितना आएगा 256। तो यहां पे अगर आप इनके यूनिट डिजिट देखें तो चलिए ये तो यूनिट डिजिट अपने आप में है, यहां पे 6 आ गई, यहां पे 2 4 8 6। तो अगर आप देखें यूनिट डिजिट 4 की साइक्लिसिटी में रिपीट हो रही है 2 4 8 6 2 4 8 6। तो यानी कि यहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हर 4 नंबर की साइक्लिसिटी के बाद बार बार वही यूनिट डिजिट आ रही है। तो सिंपल यहां पर वही करना है। तो आपको जब पता है कि सर ये 4 की डिजिट में रिपीट हो रहा है तो मैं यहां पर रिमाइंडर देख लूंगा ना 4 से डिवाइड करके, 9 को डिवाइड करिए 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 2 8 रिमाइंडर 1, इंटू 7 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3 क्योंकि 4 1 4 3 बच जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 3 अपने आप में ही रिमाइंडर रह जाएगा क्योंकि वो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ गई है 9, सर ये अभी भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 4 से जब ये डिवाइड हुआ तो 4 2 8 रिमाइंडर क्या बचा है 1, 2 की पावर 1 तो यानी कि 1। और तो यूनिट डिजिट एक्सपेंशन इसका अगर देखा जाए तो क्या होगा 2। और इसी तरीके के कंसेप्ट को डिटेल्ड में सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा कोर्स परचेस करके इन सारे कंसेप्ट को जो भी PYQs में अभी तक आए हैं जितने भी उनको मैंने डिटेल्ड में समझा रखा है आपको समझने और विद टाइम इफेक्टिव मैनर कि उन सारे क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकेंड्स में कैसे करा जाए। ठीक, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है उन पर ज्यादा फोकस करा है मैंने, जिससे कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो वो कर पाए जिनसे कि हमारा सीसेट क्वालिफाई हो सके 2024 का और हम सिर्फ
किस्मत को ही ना चीजें बोल के मतलब अपने आप को जस्टिफाई करते रहे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।